करोड़ों की डील के आरोपों की जांच अब शुरू हो गई है, मगर समीन वारखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक और आरोप जड़ दिया है। आरोप है कि समीन वानखेड़े ने नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया। वानखेड़े ने इन आरोपों को ड्रग्स केस की जांच को भटकाने की साजिश बताया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं, मगर इस केस में होने वाले खुलासों से बड़े खुलासे उनकी जाती जिंदगी को लेकर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से उनकी ठन गई है और आज नवाब मलिक ने एक सनसनीखेज ट्वीट कर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाई। नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया और दावा किया कि यह समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। उनके पिता के नाम पर एस्टेरिक्स का मार्क है और दाहिनी तरफ इस गलती को सही कर दयान देव वानखेड़े लिखा है। सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का धर्म मुस्लिम लिखा है। इस ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। आखिर वो किस फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं? समीर वानखेड़े एक आईआरएस अधिकारी हैं और वो अनुसूचित जाति कोटे के तहत चुने गए थे। मलिक का आरोप है कि वानखेड़े ने नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। एक एनसीपी कार्यकर्ता ने एक और तस्वीर ट्वीट की जिसे लेकर समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये उनके निकाह की तस्वीर है। इसी में से क्रॉप की गई तस्वीर को ट्वीट कर नवाब मलिक ने लिखा, पहचान कौन। इस वक्त समीर वानखेड़े की पत्नी मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर हैं। जब समीर वानखेड़े आरोपों के तूफानों से घिर गए तो क्रांति रेडकर उनके बचाव में कूद पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, आप जब लहरों के खिलाफ तैरते हैं तो हो सकता है कि वो आपको डुबो दे, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। तो इस दुनिया की कोई भी लहर इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको डुबो दे, क्योंकि सिर्फ वही सच जानता है, सत्यमेव जयते। तमाम आरोपों को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात नहीं की, मगर सेशन कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा, जहां दो हलफनामे दायर किए गए हैं, एक समीर वानखेड़े की तरफ से और दूसरा एनसीबी की तरफ से। वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कहा है कि कोर्ट उन्हें मिल रही धमकी का और जांच को भटकाने की कोशिशों का संज्ञान ले। विटनेस बॉक्स में खड़े होकर समीर वानखेड़े ने कहा, जब ये केस सामने आया है तभी से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मेरी मृत माँ, मेरे पिता और परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, केस को प्रभावित किया जा रहा है। वानखेड़े ने कहा, आज उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त। उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर। ये ऐसी चीजें हमारे सामने। दरअसल आर्यन ड्रग्स केस के सामने आते ही मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। उनके दामाद को भी एक ड्रग्स केस में जेल की हवा खानी पड़ी थी और वो अब जमानत पर हैं। मलिक के आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े दे चुके हैं, मगर जांच करते करते वो खुद जांच के फंदे में फंस जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आर्यन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि 18 करोड़ लेकर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने की डील की थी। कमलेश सुतार के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।